पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम अंजुमन इस्लाम अलाना गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल है और एडबी से हमारे मतलब जो कंपनी है उससे हमारे बहुत सारे सेशंस हुए, टीचर्स आए, उन्होंने हमें डे टू डे लाइफ में क्या सीखना है, हमें लोगों से पॉजिटिव वर्ड्स से बात करना है, नेगेटिव वर्ड्स स्कूल में कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही हैं। तो मैं बहुत सारी यूज़फुल और बहुत सारे टॉपिक्स भी हमें दिए गए थे, जैसे काइंडनेस, लोगों के साथ बहुत अच्छे से काइंड से पेश आना, एक्सेट्रा हमें ये सेशंस दिए हैं। तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी इन लोगों को। थैंक यू। Ago we started Faith Based, and with that we started the initiative of kindness classes, which we call the Young Bees program. The Young Bees program was started with the thought that children need more than education, more than academics, which is unfortunately today becoming the sole purpose of education in India. We started very small during COVID online classes, which did well. And by and by, we moved on to live classes, and we've done almost about 12,000 students, which is covering about 500 schools from classes 7 to 10. Most of the classes have been government schools. What I can say after 4 years of doing, as I said, 12,000 students, that the children needed this more than anything else. The schools we have got have asked us to come back over and again, and we are trying our best to increase this module. The feedback from the children has been more than encouraging. Every time I, as a trainer, or the rest of the trainers go into the classes, the kind of love and the kind of respect we get from students is overwhelming. मैं आकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल का 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। अभी हमारे स्कूल में एक सर आए थे, प्रीतम पवार नाम के सर। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और वो एडबीज कंपनी से थे। उन्होंने हमें काइंडनेस के बारे में बताया, करेज के बारे में बताया, डाइवर्सिटी के बारे में बताया, और उनका सबसे अच्छा सेशन था काइंडनेस, जो हमारे पूरे क्लास के स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर प्रीतम सर। दूसरों के प्रति पॉजिटिव वर्ड करना, पॉजिटिव वर्ड से बात करना चाहिए, किसी के प्रति नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी दुख होता है और वो दुख भरने में काफ़ी समय भी लग जाता है। हम दूसरों से अलग हैं, पर हमें दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद से कंपेयर करना चाहिए और खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बड़े हो या छोटे, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की रिस्पेक्ट करने से खुद का भी आत्मसम्मान बढ़ता है। खुद के आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ को कोई भी बुक में नोट डाउन कर लेना चाहिए। बाय इनकॉर्पोरेटिंग काइंडनेस एंड द एम्पैथी इनटू द स्कूल करिकुलम, वी कैन शेप द स्टूडेंट्स थिंकिंग, वी कैन शेप द स्टूडेंट्स हाउ बिहेवियर, उन्हें हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, हारमोनियस है, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल में काइंडनेस जो है वो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी टीचिंग काइंडनेस एम्पैथी टू चिल्ड्रन इज दैट आई हैव सीन इट सीन और आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सोशल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स एंड दे हैव अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड दे कैन क्लियर इट दैट व्हाट दे वांट। मैंने मुंबई में
अलग अलग स्कूलों में काइंडनेस सेशन किए हैं, उसमें मेरे लिए जो प्रेरणा दायी सेशन था वो डाइवर्सिटी। जब स्कूल में हम लोग स्टूडेंट के साथ डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, तो जैसे कि हम लोग स्किल वाइज अलग होते हैं, लुक वाइज अलग होते हैं, हॉबीज वाइज अलग होते हैं, चॉइस वाइज अलग होते हैं, फिर भी हम लोग का गोल एक ही होता है, तो उसी के लिए हम लोग एक साथ आते हैं। और यही है डाइवर्सिटी, मतलब हम लोग अलग अलग होकर भी एक ही गोल के साथ एक साथ आते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो एग्जाम्पल देते हैं वो है डिफरेंटली एबल पीपल के बारे में, जैसे कि हम स्टूडेंट को बताते हैं कि हम लोग सब में परफेक्ट नहीं होते हैं, वैसे वो लोग भी फिजिकली परफेक्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें उनको हमें एक जैसे ट्रीट करना चाहिए और एक उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और जब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ तो उनको इंस्पिरेशन मिलता है और वो मोटिवेट होते हैं, और ये देख के हमें भी अच्छा लगता है। Also.